हेलो फ्रेंड्स, केजीएफ की फ्रेंचाइजी की ज़बरदस्त सफलता के बाद सुपरस्टार यश ने अपनी अगली फिल्म के फाइनल नाम की घोषणा करते हुए उसका टीज़र जारी किया है। इन्होंने टीज़र में बताया कि उनकी अगली फिल्म का नाम यश 19 की जगह क्या है। इस टीज़र में के ज़रिए उन्होंने बताया कि फिल्म का नाम टॉक्सिक है, जिसे बनाने जा रहे हैं मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर गीतू मोहनदास, जो इसका निर्देशन करेंगे। इस फिल्म के प्रोडक्शन केवीएन प्रोड्यूसर से हो रही है, जिसने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की। अब तक इस फिल्म का नाम यश 19 से नाम जाना जा रहा था। आज शुक्रवार सुबह 9:55 पर इस शानदार और आकर्षक मूवी का टीज़र ऑफिशियल टीज़र रिलीज़ किया गया और ऑफिशियल अनाउंसमेंट की गई। नई रिपोर्ट्स के मुताबिक साई पल्लवी इस फिल्म में लीड रोल में हो सकती हैं, जो सैडलवुड जगत यानी कन्नड़ सिनेमा की अपनी शुरुआत करेंगी। हालांकि फिल्म में कौन कौन से कलाकार होंगे, इसे लेकर अभी कुछ ऑफिशियली नहीं कहा गया, लेकिन फैंस अभी से लीड पेयर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं। यश की अपकमिंग फिल्म के टाइटल और फर्स्ट लुक को लेकर अभी से लोग नया अपना रिएक्शन दे रहे हैं और जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक ने कहा, इतिहास रचने जा रही है फिल्म 2025 में होने वाला है बूम। एक ने कहा, वायलेंस को दूसरा नाम टॉक्सिक। कुछ ने इसे भी मास्टरपीस बताया। बताया जा रहा है कि इस फिल्म की कहानी ड्रग्स माफिया पर बेस्ड होगी। यश की टॉक्सिक के लिए मेकर्स जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। विदेशी टेक्नोलॉजी लाने से लेकर फिल्म के मार्क शूट्स तक चालू हो गए हैं। अप्रैल 2022 में रॉकिंग स्टार यश की फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज़ हुई थी और कोहराम मच गया, जिसके बाद यश के फैंस के हिस्से आया इंतज़ार, लंबा इंतज़ार। तकरीबन 1.5-2 साल बाद उन्होंने टॉक्सिक की नाम की फिल्म का अनाउंस की। यश का कहना था कि वह केजीएफ 2 की सफलता को भुलाने के लिए कोई भी प्रोजेक्ट शुरू नहीं करना चाहते थे, कुछ अलग कुछ नया करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने टॉक्सिक चुनी। टॉक्सिक को लेकर जो खबरें सामने आ रही है, उससे यह कहा जा सकता है कि यश इस फिल्म के साउथ इंडियन सिनेमा को अलग लेवल पर ले जाएंगे। अभी टॉक्सिक का प्री प्रोडक्शन चल रहा है, यानी शूटिंग शुरू होने से पहले उनकी तैयारियां ही की जा रही हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है फिल्म की पूरी प्लानिंग के बाद मल्टी लिंगुअल रिलीज़, यानी अलग अलग भाषाओं में रिलीज़ करना। इसके अलावा मेकर्स के विजुअल्स पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। टॉक्सिक के लिए सन टीव्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यह क्या भला है, जटिल सीन्स को शूट करने से पहले कंप्यूटर पर उसे पूरी तरह तैयार करने के लिए तकनीक को यूज़ किया जाता है, जिससे समझ आ सके कि उस शूट में क्या समस्या आ रही है और उसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। ग्राफिक्स, एक्शन कोरियोग्राफी, कैमरा एंगल, सेफ्टी और म्यूजिक समेत सभी बातों का इस स्ट्रीट वेज टेक्नोलॉजी में ध्यान रखा जाता है। ये सब तो हो गए टेक्नोलॉजी वाले तामझाम, तो विजुअली किसी भी फिल्म को मजबूत बनाने में मदद करते हैं यश की बतौर एक्टर फिल्म में पूरी तरह जुट चुके हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक फिल्म के मॉक शूट्स हो रहे हैं, यानी सीन को फाइनली शूट करने से पहले एक बार टेस्ट शूट करना, ताकि फाइनल शूट में कोई दिक्कत ना आए। जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, उससे लग रहा है कि यश अपनी अगली फिल्म में कुछ धुआंधार करने वाले हैं। टॉक्सिक को मधुन गेम गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी हैं राजीव रवि, जो कि वेटनर सिनेमेटोग्राफर होने के अलावा गीतू के पति भी हैं। इस फिल्म का म्यूजिक बना रहे हैं जेरेसी स्टैग, जो कि हॉलीवुड कंपोजर हैं। गैंग्स ऑफ लंदन जैसी सीरीज का म्यूजिक कंपोज कर चुके हैं। यह तकरीबन कंफर्म हो चुका है कि इस फिल्म में यश के अपोजिट करीना कपूर खान नज़र आएंगी। हालांकि अब तक यह चीज़ ऑफिशियल अनाउंस नहीं की गई। टॉक्सिक दी फायरी टेल फॉर ग्रोन अप्स 10 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय फ्रेंड्स।